टाटा पंच ICNG के अकम्प्लिश्ड वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइस है 8,85,000, वहीं ह्यूंडई एक्सटर SX CNG की एक्स शोरूम प्राइस है 8,96,000। इन दोनों की ही प्राइस में 11,000 का डिफरेंस है। तो आज हम इन्हीं दो वेरिएंटों का कंपैरिजन करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको डायमेंशन बता देता हूँ। टाटा पंच की लेंथ है 3827 mm, जो एक्सटर के मुकाबले 12 mm ज़्यादा है। विड्थ है 1742 mm, जो एक्सटर के मुकाबले 32 mm ज़्यादा है। हाइट है 1615 mm, जो एक्सटर के मुकाबले 16 mm कम है। व्हील बेस है 2445 mm, जो एक्सटर के मुकाबले 5 mm कम है। तो चलो अब मैं आपको दोनों के CNG के वेरिएंट बता देता हूँ। तो पंच CNG में आपको 5 वेरिएंट मिलते हैं, प्योर, एडवेंचर, एडवेंचर रिदम, अकम्प्लिश्ड, अकम्प्लिश्ड डीजल S। वहीं एक्सटर CNG में आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं, S और SX। तो चलो अब एक्सटीरियर से शुरुआत करते हैं। तो पंच में आपको नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प मिलता है, वहीं एक्सटर में आपको प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प मिलता है। वहीं पंच में आपको फॉग लैम्प मिलेगा, लेकिन एक्सटर में आपको कोई फॉग लैम्प नहीं मिलेगा। वहीं पंच में आपको 15 इंच के हाइपर स्टाइल व्हील मिलेंगे। अगर पंच का आप टॉप मॉडल अकम्प्लिश डीजल S लेते हैं, तो उसमें आपको 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील मिलेंगे। वहीं आपको एक्सटर में भी 15 इंच के टायर मिलेंगे। वहीं पंच का ग्राउंड क्लियरेंस है 187 mm, वहीं एक्सटर का ग्राउंड क्लियरेंस है 185 mm। वहीं पंच में आपको स्मार्ट कीलेस एंट्री मिल जाएगी, लेकिन एक्सटर में आपको कोई स्मार्ट कीलेस एंट्री नहीं मिलेगी। वहीं पंच में आपको रियर डिफोगर या वाइपर नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सटर में आपको रियर डिफोगर मिल जाएगा। वहीं दोनों में ही आप रियर कैमरा और रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। तो चलो दोनों के सेफ्टी फीचर की बात कर लेते हैं। तो पंच में आपको डुअल एयरबैग, ABS विथ EBD, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंटिंग, सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं। तो चलो अब एक्सटर के सेफ्टी फीचर की बात कर लेते हैं। 6 एयरबैग, ABS विथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट जैसे सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं। तो चलो दोनों के पेट्रोल टैंक और CNG के टैंक की बात कर लेते हैं। तो दोनों में ही आपको 37 लीटर का पेट्रोल का टैंक मिलता है। वहीं पंच में आपको CNG के 2 टैंक मिलते हैं 30-30 लीटर के, जिससे आपको 210 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। लेकिन एक्सटर में आपको सिंगल सिलेंडर मिलता है 60 लीटर का, जिससे आपका बूट स्पेस खत्म सा ही हो जाता है। तो चलो अब इंटीरियर की बात कर लेते हैं। तो एक्सटर में आपको रियर AC वेंट मिल जाएगा, लेकिन पंच में आपको कोई रियर AC वेंट नहीं मिलेगा। वहीं एक्सटर में आपको रियर में 12 वॉट चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, वहीं पंच में आपको USB चार्जिंग पोर्ट मिलेगा। वहीं पंच में आपको ड्राइवर एंड को ड्राइवर आर्मरेस्ट मिलेगा, लेकिन एक्सटर में आपको कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। वहीं आपको दोनों में ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, लेकिन एक्सटर में आपको TPMS मिल जाएगा। लेकिन पंच में अगर आप टॉप मॉडल अकम्प्लिश डीजल S लेते हैं, उसमें ही आपको TPMS मिलेगा। वहीं पंच में आपको 7 इंच की टच स्क्रीन मिलेगी, वहीं एक्सटर में आपको 8 इंच की टच स्क्रीन मिलेगी। वहीं पंच में आपको 4 स्पीकर एंड 2 ट्विटर मिलेंगे, वहीं एक्सटर में आपको सिर्फ 4 स्पीकर मिलेंगे। वहीं दोनों में ही आपको 12 वॉट चार्जिंग पोर्ट, USB चार्जिंग पोर्ट और Type-C चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। वहीं दोनों का स्टेयरिंग आप सिर्फ टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। वहीं एक्सटर में आपको सनरूफ मिलेगा, लेकिन पंच में आपको कोई सनरूफ नहीं मिलेगा। अगर पंच का आप टॉप मॉडल अकम्प्लिश डीजल S लेते, उसमें ही आपको सिर्फ सनरूफ मिलेगा। वहीं दोनों में ही आपको ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल मिलेगी। तो चलो अब दोनों के वारंटी की बात कर लेते हैं। तो पंच में आपको 3 ईयर 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, वहीं एक्सटर में आपको 3 ईयर अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी मिलती है। तो चलो दोनों के ही इंजन की बात कर लेते हैं। तो पंच में आपको 3 सिलेंडर 1199 cc का इंजन मिलता है। CNG में पावर मिलती है 73 bhp और टॉर्क मिलता है 103 Nm। वहीं पेट्रोल में पावर मिलती है 87 bhp और 115 Nm। वहीं एक्सटर में आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलेगा 1197 cc का, जिसमें आपको CNG में पावर मिलेगी 67 bhp और टॉर्क मिलेगा 95 Nm। वहीं पेट्रोल में पावर मिलेगी 81 bhp और टॉर्क मिलेगा 113 Nm।
तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ह्युंडई एक्सटर सीएनजी पसंद है या टाटा पंच सीएनजी पसंद है। वंदे मातरम। I feel like I'm losing my mind.